दोस्तों आज हम बनाएंगे मैंगो पुडिंग। बहुत ही आसानी से बनाना और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इस वीडियो को देख के बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं आज का मैंगो पुडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का आम ले लिया है और इससे हम पल्प बनाएंगे। इसके लिए हमें छिलके और गुठली से सारे के सारे आम को निकाल लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। आप वीडियो को देख के घर पे बहुत आसान तरीके से इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे आम हमने निकाल लिया एक बॉल में। अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्सी करके पल्प बना लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मिक्स करने के बाद कितना गाढ़ा सा पल्प हमारा बनके रेडी हो चुका है। अगर आपका मैंगो में स्वीटनेस कम है तो आप यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड कर सकते हैं। वैसे मेरे मैंगो में तो स्वीट बराबर है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा शुगर ऐड नहीं करूँगा। एक बॉल में मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है और इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 कप मिल्क। अभी इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सर को हम आगे यूज करेंगे। अब एक पैन में मैंगो पल्प डाल के लो मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते जाना है और जब इसमें थोड़ा बहुत उबाल आ जाए तब हमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क का मिक्सन ऐड कर देना है। और इसे ऐड करने के बाद भी आपको ऐसे ही चलाते रहना है ताकि नीचे से ना जल जाए। तो ऐसे ही चलाते हुए 3-4 मिनट आपको पका लेना है इसको, वो भी मीडियम लो फ्लेम पे। और उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और बॉल में ट्रांसफर करने से पहले बॉल में आपको थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर लेना है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से डिमोल्ड हो जाए। दोस्तों इस तरह का बहुत सारे सिंपल और इजी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे तो आप राइट साइड में आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिए ताकि मैं जब भी ऐसे नया रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट पे रख लेंगे। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा हो चुका है, अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। तो चलिए अब इसे डिमोल्ड करते हैं। तो कुछ इस तरीके से एक प्लेट रख के इसको उल्टा कर लिया है और इसे धीरे धीरे आप इसे निकाल लेंगे। इसे बहुत ही केयरफुली निकालना है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। पर ये देखिए ये निकल चुका है और इसके ऊपर से थोड़ा सा मैंगो लगा के इसको डेकोरेशन कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करके ऑल कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह का रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए दोस्तों बनके तैयार है हमारा मैंगो पुडिंग्स। और देखिए इसका कलर कितना प्यारा सा है और बहुत ही टेस्टी बना है ये। दोस्तों इस वीडियो को देख के आप बहुत आसान तरीके से घर पे इसे बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी इस तरह का नया रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगले वीडियो में आप कौन सा रेसिपी देखना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम उस रेसिपी को प्रिपेयर कर सके। और स्क्रीन पे आए हुए वीडियो को क्लिक करके जरूर देखिए।